सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस पवित्र धरती पर इतने बड़े जन सैलाब को देख करके एक बात तो निश्चित हो चुकी है कि अब इन भाजपाइयों का बोरिया बिस्तर बंध गया है और आने वाले 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। मन पर विराजमान आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद राज्यसभा परम आदरणीय श्री सचिन मिश्रा जी, मेरे भाई अशोक गौतम जी, सलीम अंसारी जी, भाई कपिल कृष्ण जी, अरुण द्विवेदी जी, यहां पर जो बगीचा आप देख रहे हैं, बगिया देख रहे हैं, उसमें एक से एक बढ़िया बढ़िया फूल है, कहीं गुलाब दिखाई पड़ रहा, तमाम फूल बागता हमने बैठे हुए आप सब देख सकते हैं। आपके प्रयाग नगरी, आपकी कौशाम्बी, आपके फतेहपुर, आपके प्रतापगढ़, सारा का सारा संगम आज आपको इस बहुजन समाज पार्टी के मंच पर दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं। दो चार बातें मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं और सब लोग मुझे बताइएगा जरूर, आज चाहे सही हो तब बताइएगा, चाहे गलत हो तब बताइएगा, लेकिन बताइएगा और थोड़ी देर के लिए अपने अपने हाथों को, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रख लीजिएगा। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि दिल खोल करके बोलिएगा, आज हमारे हिंदुस्तान का, हमारे उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? परेशान है। सब लोग जवाब दीजिएगा, किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? परेशान है। हमारी माताएं बहने परेशान है कि नहीं परेशान है? परेशान है। हमारे नौजवान जो बेरोजगार है वो परेशान है कि नहीं परेशान है? परेशान है। हमारा मजदूर है परेशान है कि नहीं परेशान है? परेशान है। आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, मुझे सबकी आवाज जाननी है, जहाँ चाहे वो पीछे खड़े लोग हो, चाहे दाहिने दाएं तरफ बैठे हमारी माताएं बहने हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, मुझे सबसे जानना है, बताइए हमारी माताएं बहने परेशान है कि नहीं परेशान है? परेशान है। महंगाई से उनको झेलना पड़ रहा है, दोनों वक्त की रोटी, दोनों वक्त का भोजन इकट्ठा कर पाना आज 2021 में उनके लिए असंभव सा होता जा रहा है। अच्छे दिन चल रहे हैं हम लोगों के, हमारे सामने गवाह तमाम बैठे हुए हैं, राज अली केसव साहब बैठे हुए हैं, आदित्य पांडे जी बैठे हुए हैं, संजय तिवारी जी बैठे हुए हैं। मुझे याद है 2007 में जब महिला की सरकार बनी थी तो आदरणीय बहन कुमारी मारती ने जो योजना शुरू कराई थी, उन्होंने कहा सबसे पहले हमारे हर घर की, चाहे वो किसी समाज की किसी बिरादरी को, हमारे घर की जो महिला मुखिया है उसको प्रत्येक महीने में 500 रुपए इस बात के दिए जाएंगे ताकि वो अपने चूल्हे में, अपने चौका में दे सके, अगर कोई चीज कम हो रही है तो वहां पर इकट्ठा कर किसी को तो मांगने पड़े, क्या सही बात नहीं है? और हम सब लोगों ने मिलकर के उस समाज को बनाने का प्रयास किया था और एक एक गरीब एक एक परिवार में जा करके हम लोगों ने ऐसी माताओं ऐसी बहनों को इकट्ठा किया था जिनको कि इस योजना का लाभ उठ रहे। आज क्या हो रहा है, आज आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अगर आपको 5 किलो गेहूं भी मिलेगा या 5 किलो अनाज मिलेगा तो उसमें झोला में आपको टांग करके पहले ऐसी फोटो देखना पड़ेगा जिस फोटो को देख करके आप सबके मन में एक अजीब तरह की उलझन, अजीब तरह की बेचैनी होने लगती है। हर जगह टेलीविजन में, हर जगह जहां जाकर देखिए आप देख लीजिए और क्या बातें हो रही है। हमारा तो प्रयाग नगरी जो हमारी इलाहाबाद जनपद है, यहाँ पर हमारे बेरोजगार बड़ी भारी तादाद में पाए जाते हैं, उनसे कहा जाता है फार्म भर दो, इसका 500 रुपया फीस है, प्रवेश पत्र आएगा, इम्तिहान होगा, तुमको नौकरी मिलेगी और बूढ़ा बाप गांव में बैठा है, किसी तरह से उनको मनियाडर करके किसी तरह से उनके पास पैसा भिजवाता है, लड़का जो है लड़का बेटवा बिटिया फार्म भर देते हैं और जब इम्तिहान देने बैठे होते हैं, जब इम्तिहान देकर के निकलते हैं तो उसे कहा जाता है पर्चा तो तुम्हारा लीक हो चुका है, इम्तिहान नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है हल्ला, आप सबने सुना होगा, उसके बाद क्या शोर आता है, शोर आता है भैया हम गैंगस्टर लगाएंगे उनके ऊपर, हम दोबारा इम्तिहान कराएंगे,
हम दोबारा उन लोगों को खर्चा देंगे वहां से वहां तक आने का। अरे भैया कितना झूठ बोलोगे मुख्यमंत्री महोदय, कितना झूठ बोलोगे। अरे 10 दिन बाद जब आचार संहिता लग जाएगी तो तुम क्या अपने घर पर बुला करके उन लोगों का इम्तिहान दिलाओगे? इम्तिहान तो हवा हवाई हो गया, कोई इम्तिहान होने। और ये सिर्फ काली खाई टीटी में नहीं है, दरोगा परीक्षा में देख लीजिए, 2017 से लगातार देखते चले जाइए, इम्तिहान का विज्ञापन निकला, आपसे पैसा जमा करा लिया गया, सैकड़ों और करोड़ों रुपए खजाने में चला गया, और उसके बाद क्या हुआ? आपको इम्तिहान नहीं देना है क्योंकि आपकी नियुक्ति तो होनी नहीं है। और नियुक्ति देंगे कहाँ? नियुक्ति देंगे कहाँ? क्या रेलवे में नौकरी दे देंगे आपको? रेलवे तो उनके खास का हो गया ना, अंबानी अडानी का रेलवे हो गया, ONGC हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, यहाँ तक कि अब तो बैंकों उन्हीं के पास जा रहे हैं। बताइए हमारे नौजवानों का सम्मान कौन बचाएगा? हमारे नौजवानों का आत्मविश्वास कहाँ रह पाएगा? आपको कभी दिखाई पड़ेगा उनका आत्मविश्वास? उनके चेहरे की लानत चली जाएगी। दोस्तों अगर अपने नौजवानों के चेहरे पर रोशनी देखना चाहते हो, अपने किसानों के चेहरे पर रोशनी देखना चाहते हो, अपने मजदूरों के चेहरे पर नहीं देखते, अपनी माता और बहनों के चेहरे पर रोशनी देखना चाहते हो, आज इस मंच के माध्यम से इस पवित्र प्रांगण में यह संकल्प लेकर के जाना कि जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को अमूल चूल नष्ट नहीं कर देंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं पहुंचा देंगे, हमारा एक भी व्यक्ति मन से बैठे का काम नहीं करेगा। क्या तमाशा है? प्रदेश हमारा है, देश हमारा है, जिला हमारा है, गांव हमारा है, घर है। आज हमसे कहा जा रहा है कि अपने घरों में अपने परिवार में आप बेगाने हो जाओ, सारा का सारा फंड इकट्ठा होकर पता नहीं कहा जा रहा है। एक तरफ तो 18 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आपसे कहा जा रहा है कि अगर 2 लाख रुपया तुम्हारे घर में रखा हुआ तो समझ लो। और बता देखिए उधर कर्जा माफ होता है, जिसका कर्जा माफ होता है वो अगले दिन खड़ा हो जाता है बैंकों को खरीदने के लिए, फिर कर्जा माफ होता है, फिर वो खड़ा हो जाता है किसानों की जमीनों को खरीदने के लिए, फिर कर्जा माफ होता है वो खड़ा हो जाता है रेलवे खरीदने के लिए, फिर कर्जा माफ होता है वो एयरपोर्ट को खरीद लेता है, फिर कर्जा माफ होता है वो सारे बंदरगाह खरीद लेता है। क्या संकेत है? कौन खरीद रहा है? चोर कहां पर बैठा हुआ है? आज मैं आप सबको ये सौगंध देकर के जाना चाहता हूं कि आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक एक बात को बड़ी गंभीरता से सुनने का काम करिएगा, यहाँ छोड़ करके मत जाइएगा। अगर प्रयाग में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी पूरे उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आपको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर अपने प्रदेश को बचाना चाहते हो, अपने जनपद को बचाना चाहते हो, अपना घर द्वार बचाना चाहते हो, अपना खेत खलिहान बचाना चाहते हो, तो जाके पैर न फटी बीवाई वो का जाने पीर पराई। और आपके बुराई का दर्द अगर कोई इस देश में सच में देख सकता है, उसका नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। जो आपके समाजवादी पार्टी वाले हैं वो तो इधर दंगा करा देंगे, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में दंगा हो रहा होगा, आप लोग मर कट रहे होंगे और वो सेफाई में खबर करके डांस देख रहे होंगे, आप सबने देखा है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जाने के पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक एक बात को अपने साथ में लेकर के जाइएगा, घर घर लेके जाइएगा, मोहल्ले मोहल्ले लेकर के जाइएगा, और ये संदेशा देने का काम करिएगा पूरे प्रयाग मंडल में, पूरे इलाहाबाद मंडल में, कि यहाँ पर हमारे जितने भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है उनको भारी मतों से जाकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने कार्य करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ बड़े आमंत्रित आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद देते हुए हम सबको यह संकल्प दिया है कि हम लोग यहाँ से जाने के बाद आज से ही इस चुनावी जुगुल को बुलाते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री में कामयाब हो, मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए। माननीय